दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए कुछ रिक्रूटमेंट कुछ वॉकिंग इंटरव्यू लेके। तो दोस्तों उस पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल, उसका लोगो भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों हम सारी की सारी जो भी वैकेंसी रहती है जिसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता या हमारी वेबसाइट पर होती है वो आपको नहीं मिल पाती, तो इस ग्रुप में आप डेली देख सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं मेन मकसद की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है 21 और 22 सितंबर को होगा जो भी कैंपस होने वाला ओपन कैंपस प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा अब हम डिटेल पढ़ लें। तो डिटेल में देखो क्या क्या दिया गया है, इन्होंने क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कि इसका जो लोकेशन है वो इंस्टीट्यूट आपको गांधीपुरम जो गाजीपुर में है वहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा। अच्छा कंपनी का नाम क्या भैया, तो कंपनी का नाम भी यहाँ पे बता दिया गया है जो चेन्नई लोकेशन में है जिस कंपनी, वो है TPI। नेक्स्ट बात करूँ कि यहाँ पे पोजीशन आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है दोस्तों नीम ट्रेनिंग प्रोडक्शन के लिए है। और यहाँ पे वैकेंसी कितना है, तो 200 प्लस वैकेंसी, मतलब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जॉब लोकेशन ऑलरेडी तमिलनाडु में रहेगा, पूरा बता दे। क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा किसी से भी हो तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। 2018 19 20 21 22 के पास आउट चाहिए। सैलरी यहाँ पे बता दिया गया है कि 14,000 रुपये प्लस 1,000 जो बोनस मिलेगा अटेंडेंस का, तो इस तरीके से टोटल जो है 15,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरव्यू का डेट 21 और 22 सितंबर 2022 को होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM रहेगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कैंटीन और यूनिफॉर्म और सूज, ये सारी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना चाहिए, तो 10th 12th ITI की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, और दो जो आपने वैक्सीन की डोज ली है उनका सर्टिफिकेट लेके जाना है। इनका जीरोक्स का सेट बना के ज़रूर लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे बाकी की चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन का 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने मेरी बात हुई यहाँ पे तो दिया है कि भाई अपना जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 14 सितंबर से 20 सितंबर 2022 तक 10 से 4 बजे तक होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे चुकी हैं, लेकिन मैं भाई बताऊँ तो मेरी यहाँ पर बात हुई है, जस्ट अभी मैंने बात किया है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप जैसे 21 तारीख को है इंटरव्यू तो रजिस्ट्रेशन चार्ज उसी दिन पैसा दे दोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन चार्ज मेरा मेंटेलिटी ऐसा है कि कैंपस कोई भी इंटरव्यू अरेंज कराता है तो बहुत सारी फैसिलिटी देता है जो इंटरव्यू लेने आते हैं, तो उनका कुछ खर्चा रहता है, तो उसे मैनेज करने के लिए ये लोग कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो मे बी ये शायद फ्रॉड नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पर 16, 17, 19, 20 सितंबर 2022 को 2 से 5 बजे 5:30 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है। ये आप देखोगे QC डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं जो गोवा प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑफिसर सीनियर ऑफिसर जहाँ पर MSc BSc बी फार्मा 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लोकेशन आपको सामने दी गई है, इस लोकेशन पर आपको दोस्तों जाना रहेगा जो गोवा लोकेशन है। मेल आईडी भी दी गई है, किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाते हो तो अपना CV फॉरवर्ड कर दो DEEPIKA.GAYAK@INDOCO.com। कॉन्टैक्ट नंबर 8326721627। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे और पूरा बता दिया गया मेडिकल फील्ड में है। फाइनली यहाँ मेल आईडी दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। और ये फ्रेशर के लिए भी है, ऐसा नहीं है देखोगे तो फ्रेशर के लिए मिलेगा, बी फार्मा एम फार्मा के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी RA केम फार्मा लिमिटेड में है दोस्तों,
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनली बहुत अलग अलग पोजीशंस हैं। 17 सितंबर 2022 को इंट्री होने वाला है, 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा, तेलंगाना में होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया, प्लॉट नंबर, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ, प्लॉट नंबर सारी चीज़ें, A-19/C रोड नंबर 18, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों क्या क्या लेके जाना रहेगा, तो अपना रिज्यूम है, 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 मंथ का पे स्लिप, CTC स्ट्रक्चर विद जीरोक्स। मैं तो कह रहा हूँ अपना डॉक्यूमेंट्स का जो भी है ना, या तो आपका एक्सपीरियंस है या आप जो है नहीं है तो भी आप अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस वाले जीरोक्स, और आपका जो एजुकेशन है उसके जीरोक्स सब सेट बना के लेके जाना मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट है दोस्तों प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर जा सकता है, बी फार्मा एम फार्मा, लेकिन 10 पोजीशन। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर प्रोसेस मेंटेनेंस इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन और वाटर सिस्टम, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस, IT मांगा गया है, दोनों के लिए पोजीशन बता दी गई। नेक्स्ट बात करूँ QC के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग वैकेंसीज हैं, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस, BSc MSc वी फार्मा एम फार्मा मांगा गया है, और आपको वैकेंसी बता दी गई। नेक्स्ट है QA के लिए, जहाँ पे अलग अलग बहुत सारी हैं वैकेंसी, जैसे IPQA के लिए 2 से 7, AQA के लिए 3, अलग अलग 7, 4, 5 में इस तरीके से दी गई हैं, ठीक है, आप सामने दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों, यहाँ पे QA और QC AMC, जहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, शिफ्ट ड्यूटी रहेगी, इंटरव्यू 17/9/2022 को होने वाला है, 9:30 से 3:30 बजे तक होगा। यहाँ पे सीधा लिख दिया गया, आप देखोगे जो बंदे MSc M Pharma एक्सपीरियंस वही अप्लाई करे भैया, यहाँ पे BSc B Pharma 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी गई हैं। नेक्स्ट है QA के लिए, BSc B Pharma 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस बता दी गई है, AMV डिपार्टमेंट के लिए BSc B Pharma M Pharma MSc 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। यहाँ पर बता दिया गया कि यहाँ पर जो पैकेज मिलेगा, जो सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले बता दी गई हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है वो भी बता दिया, अपना CV, टोटल एक्सपीरियंस, CTC कितना चाहिए, कितना है, करंट लोकेशन क्या है, और आपका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, सब आपको hrd.athal@ipca.com पर भेजना है। लोकेशन इसका ये रहेगा, सिलवासा रहेगा लोकेशन इंटरव्यू का, ठीक है, तो भैया भेज दो और अटेंड करो। नेक्स्ट वैकेंसी जूलियंट में, यहाँ पे आप देखोगे पूरा रजिस्ट्रेशन का बारकोड दिया गया है, ठीक है, और लिंक भी पूरी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो जो 17/18/2022 सैटरडे संडे को इंटरव्यू होने वाला है, 9 से 7 बजे तक होने वाला है, लोकेशन दी गई है, किस किस के लिए R&D में वैकेंसी किस किस के लिए वो बता दिया गया है। यहाँ पे MSc Chemistry M Pharma 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, RA SRA के लिए PhD Chemistry और यहाँ पे 0 to post diploma और यहाँ पे 0 to 10 ईयर एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें बोल दी गई पहले से ही।